इतनी जल्दी मतलब आज से कि एक झलक में बस फैसला कर लिया. وانا بودي رساله للناس انت بتروح تتزوج شوف الجمال شوف الدين شوف المال. अच्छा कभी इस फैसले पे दोनों को दुख नहीं हुआ कि यार कितनी छोटी सी उम्र में शादी कर लिया? 80% लोग यकीन नहीं करते. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सारा सैयद और आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे नौ ब्याहते जोड़े के साथ जिनकी उम्र बहुत छोटी है. इनका नाम है इलियास सैफुल्ला और इनकी अहलिया का नाम है आसिया. इनसे जानते हैं कि क्या सूजी इनको इतनी छोटी सी उम्र में शादी की. तो जी इलियास हमें बताइएगा. जी बिल्कुल, बस जब मैं 2018 में पाकिस्तान आया हूँ, मैं वाल साहब के साथ, मेरा फैमिली 40 साल से उधर ही रहती है. अच्छा. फिर इधर हमारा गांव है डेरा गाजी खान, शहर डेरा गाजी खान. मेरा वाल साहब अपना मसरूफियात में मसरूफ़ होंगे, फिर मैं अकेले ही घर के अंदर रहता था. मेरा फैमिली अभी तक उधर ही है, मेरा मक्का शरीफ में. सही. फिर नानी जान होते थे मेरे साथ, बस हम एक अपना नानी जान बस अपना वाकयात सुनाती थी पुराने ज़माने का, जिन के वाकयात वगैरह. इसलिए फिर एक मैं एक डिप्रेशन की शिकार हो गई थी, क्योंकि अकेला अकेला होता था घर के अंदर, बाहर बिल्कुल नहीं निकलता था. मुझे डर लगता था क्योंकि सऊदी का एक मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, इधर अजीब तो चोरी डकैती वगैरह वैसा. फिर मैंने सोचा था कि शादी क्यों ना करूँ मैं. फिर वालदेन से मैं मशवरा किया, वालिद साहब से मशवरा किया था. मशवरा खुद ही नहीं, पर मैं चुप था. फिर मैं सोचा था करूँ ना करूँ, डर लग रहा कि वाले सब क्या बोलेंगे. फिर मैं थोड़ा सा अपना जो वाले सब के दोस्त हैं उसमें कह दूँ कि आप वाले सब से, यानी आप खुद ही बात करें वाले सब से. फिर उन्हें कहा ठीक है हम बात कर लेंगे. फिर बात हुई, मेरा वाले सब के एक सेक्रेटरी है, मैंने कहा वाले सब से खुद बात करेंगे. मेरा ठीक है. फिर वाले सब से बात की तो वाले साहब चुप हो गए थे, यानी कोई जवाब नहीं दिया. फिर मैंने उन्हें कहा था आप खुद बात करें, बस ठीक है हो जाए, आप बात कर लें, बाकी मेरा काम है, मैं आपको शादी करवा लूँगा. फिर मैंने मस्जिद गया था, वाल साहब से मशवरा किया था, वाल साहब का ठीक है देख लेंगे. फिर मैंने गुस्सा आ गया, मैंने कहा ये क्या है, ठीक है देख लेंगे, बोले शादी करें या नहीं करना. फिर मैंने वालदा से मशवरा किया था, वालदा ने कहा ठीक है आप शादी कर लें, आप जिस फैमिली से शादी करने चाहते हैं आप, हम उधर ही आपकी शादी भी कर लेंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हम सारा खर्चा आपके हम उठाएंगे. अच्छा तो फिर ये आसिया को पसंद कब किया, कैसे किया ये भी बताओ. ये एक मौलवी साहब हैं इधर लाहौर में, तो अचानक मुलाकात हुई थी दोस्त. अच्छा. के जरिए से इधर शब जुमा में. फिर उन्होंने कहा ये शादी करवाते हैं लोग. फिर मैंने कहा था यार अच्छा ठीक है, उससे फ़ायदा भी उठाएं हम इसका. अच्छा. फिर मैंने कहा कोई अच्छी फिल्म मेरे लिए देख लें. फिर उसके पास गया था उसके ऑफिस में, फिर किसी आदमी से बात हुई है, उन्होंने कहा अच्छी फैमिली है. फिर मैंने कहा ठीक है. फिर वालिद साहब को मैंने गांव से बुला दिया इधर लाहौर में. इधर लाहौर में एकेडमी में पढ़ता था मैं. अच्छा. पप्पू के पास रहते, इधर लाहौर में रहती हैं. फिर बस हम उस गांव में गए थे, फिर इधर लाहौर के अंदर ही साथी हैं. फिर आसिया के वालिद साहब ने कहा कि आप अच्छा आप ऊपर जाएँ आसिया को देख लें. मैंने कहा ठीक है अच्छी बात, सुन्नत है ये कि शादी से पहले देख लें. फिर मैं फ़ौरन ऊपर घर के अंदर गया था, आसिया को देख लिया मैं. एक मिनट की बस मुलाकात थी, बस एक मिनट पूरा. अच्छा. हाँ जी, एक मिनट की मुलाकात थी. वालिद साहब भी साथ थे, उनकी फैमिली भी थी, उनके वालिद साहब भी था, मैं भी था. फिर मैं बात बिल्कुल ऐसे से नहीं है, मैं बस देखा था, वो भी तकरीबन मुझको देख रही थी, बस मैं देख रहा था वैसा, मैं देख रही लेना लेना ये ठीक. फिर मैं नीचे गया था, वालिद साहब ने कहा कि आप हाँ करना चाहते हैं या नहीं. मैं सोच रहा था, मैंने कहा हाँ ठीक है कर ले. इतनी जल्दी मतलब आज से कि एक झलक में बस फैसला कर लिया. देखें अगर एक अच्छी चीज़ सामने आ जाए, अगर आप उस देर कर लें फिर ऐसा नहीं आएगा. यानी अगर मिसाल है आपको, अगर कोई आपको अच्छी गाड़ी गिफ्ट दे रहा है, आप ले लें, मैंने बोलते नहीं लेना, फिर बाद में मिलेगा नहीं आपको. वैसे कि अच्छी ठीक है, एक मुझको ये लड़की चाहिए, मुझको ये चाहिए मुझको लड़की, बस अभी ये चाहिए, बस ये लेने. अगर मैं ना लूँ फिर बाद में, फिर यानी ये हो गए कि मेरे अंदर के अरमान हो गए काश मैं लेता था. फिर अल्हम्दुलिल्लाह बस फैसला कर लिया, एक मिनट के दो मिनट के अंदर निकाह वाला जो निकाह खाना फौरन आ गया था, उधर हम निकाह पढ़ो. वाह बड़ी क्विक. अच्छा आसिया आप कैसे मान गई, आपने भी देखा आपको भी ऐसे झटपट पसंद आ गए थे इलियास? हाँ जी, मैंने निकाह से पहले तस्वीर में देखा था, लेकिन सामने बाय तब नहीं देखा था, तो उसके बाद फिर मैं मान गई थी. इतनी जल्दी मान गई थी? हाँ जी. मैं तो बहुत अभी तक हैरत में, इतनी जल्दी मतलब एक झलक में देखो और लो जी नीचे आके कह दिया जी निकाह है. अच्छा मुझे बताओ आपके कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह सात हैं. सात बहन भाई हैं. आपका नंबर क्या है, सबसे छोटी हो आप? नहीं, तीसरा नंबर है. तीसरा नंबर है, तो बाकी दो की हुई भी है शादी? हाँ जी. और जो निचले छोटे हैं उन्होंने किसी ने कहा यार इतनी जल्दी तुम हाँ कर रही हो शादी के लिए? नहीं, उन्होंने किसी ने कहा. मेरी दो बहनें हैं, उनकी भी छोटी उम्र में शादी है. इतनी ज़्यादा छोटी उम्र नहीं थी मेरी, ज़्यादा छोटी उम्र थी. और इलियास आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया? देखिए हम 14 बहन भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और हम मैं 11वें या 10वें नंबर पर हूँ मैं.
फिर मैं जब निकाह अलहमदुल्ला होगी तो गाड़ी से वापस आ रहे थे, ड्राइवर भी हैरान था, हमारे वालिद साहब भी यानी सारे परेशान थे कि मस्जिद में जब निकाह हो गया था, और निकाह के अंदर मैं और वालिद साहब और आसिक का भाई और उनके वालिद साहब और ड्राइवर थे और मेरे वालिद साहब, बस अच्छा। इसके अलावा कोई नहीं था, मस्जिद के अंदर ही निकाह हो गया था अलहमदुल्ला। फिर एक हफ्ते के बाद रुख्सती था, फिर मैं अपना ग्रुप मोबाइल में खोला था, मैंने भाई बहन को सब बता दिया कि अलहमदुल्ला मेरा निकाह हो गया यानी शादी हो गई। वैसे कोई नहीं मान रहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि पहले मैं कह रहा था, मैं कह रहा देखना मैं इंशाल्लाह जल्दी उम्र में शादी करूंगा, मैं कोई नहीं मान रहा कि यार तुम छोटा बच्चे अभी चुप हो जाओ सब ना भी अब। मैंने कहा ठीक है मर्जी है भाई आपके, सारे रिश्तेदार को पता था कि ये शादी करने वाले हैं लेकिन पता नहीं था कि इस जल्दी इस उम्र में शादी करेगा। फिर मैं जब रिएक्शन ही था कि सारे हैरान, कोई नहीं मान रहा था जब तक मैंने कहा कि जो रजिस्टर हैं तस्वीर क्या था वो भेज दिया मैं, फिर बाद में मान गए थे कि वाकई शादी कर लिया है, पर हैरान रह गए सारे कि मुझसे बड़े हैं क्योंकि सर। अच्छा जो आपसे बड़े बहन भाई हो उनकी शादी हुई सबकी? हाँ, एक बहन की शादी हुई है बस। एक तो बाकियों ने कैसे हजम कर लिया कि इतने छोटे से कि अभी शादी और ये इतनी झटपट हमारा तो अभी नंबर ही नहीं लगा। बस वैसा बात से कहते हैं हम मान लिया थे, मेरे ख्याल दिल के अंदर नहीं मार रहे थे जब तक निकाह का तस्वीर में बाद पता चला मुबारकबाद मुबारकबाद माशा दिल से मुबारकबाद दे रहे थे वो बहन भाई बाद में तकरीबन जब निकाह के तकरीबन 5-6 दिन के बाद जब खुद के बाकी शादी किए हैं फिर अच्छा, आप भी मतलब वो शौक में थे कि नहीं ऐसी झूठ लगा रहे हैं ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ उनके। अच्छा मुझे ये दोनों आप बताओ कि कितना कितना पढ़े हुए हैं, क्या पढ़ रहे हो और आगे फर्दर क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए? मैं सऊदी में 8वीं तक पढ़ा हूं सऊदी में। अच्छा और आज से 5वीं तक पढ़ी है ना? हां जी 5वीं तक पढ़ी है और हम इंशाल्लाह ये कोरोना के हालात की वजह से हम हाँ जी हेविस भी हाफजा भी हैं। अच्छा माशाल्लाह हाँ दोनों या सिर्फ आसिफ? नहीं आसिफ हाफजा बस। माशाल्लाह क्या बात है। और अभी क्योंकि मैं सऊदी उधर जब पढ़ता था हर चीज़ अरबी में होती थी पर इधर पढ़ना बहुत मुश्किल होता लेकिन हम इंशाल्लाह अभी मैट्रिक भी हमें इंशाल्लाह ये जो लॉकडाउन यानी जो स्कूल वगैरह बंद है अभी जब खुल जाएंगे मैं मैट्रिक भी करने आसे भी करने हूँ और हम पढ़ाई लाजमी आगे तक करने हम आखिर तक करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी क्योंकि इधर हमारा असल अजीब रिवाज है ख़ासतौर पर अफसोस के बाद जो गांव में रहते हैं या कोई अनपढ़ लोग हैं ये शादी करवाते हैं अपने बच्चे के नहीं सोचते कि ये पढ़ाई करेंगे हाँ। नहीं करेंगे अगर बस ठीक शादी होगी बच्चे पैदा करें बस मर जाए ये बस होगी खत्म बात ये क्योंकि अल्लाह ने एक रिश्ते खूबसूरत एक रिश्ते हैं मियाँ बीवी इंसान असल लोग ये समझते हैं कि हम शादी करेंगे बस हम अभी बस बच्चे पैदा करेंगे और मर जाएंगे नहीं एक शादी का ये नाम है कि आप घर बनाना एक अच्छे बिजनेस करना अच्छे काम करना एक पढ़ाई करना अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ाई भी करेंगे हम बिजनेस भी करेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं नोटिस कर रही हूँ आपका ना अरबिक एक्सेंट है मतलब वैसे ही पूरा टच अभी पूरी पंजाबी या उर्दू एक्सेंट नहीं है तो आप अपनी अरबी जुबान में ना ये कहना है कि ये लड़की बहुत प्यारी है ترى زوجتي جدا جميلة وأنا أبودي رسالة للناس إذا بتروح تتزوج شوف الجمال شوف الدين شوف المال شوف الحسب والنسب بس قال الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك فشوف الدين لأن الدين هي أهم شيء اتنا لمبا پاکستان لڑکے اچھی نہیں ماشاءاللہ کہہ کے کام ہی مکا دیتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ دونوں کا نکاح کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے ابھی تقریباً پانچ یا چھ پانچ منتھ ہو گئے ہیں پانچ مہینے ہو گئے ہاں جی अच्छा तो अच्छा जब लोगों को पता चला या खानदान में पता चला कि छोटी सी उम्र में दोनों ने निकाह कर लिया तो क्रिटिसिज्म बड़ा बर्दाश्त करना पड़ा होगा नफरत और तो उसको कैसे डील किया? अक्सर रिश्तेदार ने बाज़ रिश्तेदार ने अक्सर रिश्तेदार ने 50% कह रहे हैं आप तंकीद किए और बाकी अक्सर उन्हें कहा बहुत खुश हो गया आप शादी माशाल्लाह कर लिए लेकिन जब भी कोई रिश्तेदार से किसी भी जब कोई बात तंकीद करते हैं कोई चीज़ बोलते हैं अलहमदिल्ला इग्नोर करता हूँ मैं अपने कोई नहीं सोचते हैं अगर कोई बोलते हैं माशाल्लाह तबरक मुबारक मैं बोलता हूँ खैर मुबारक बहुत अच्छी बात है कोई लोग बहुत सपोर्ट किए माशाल्लाह आप शादी कर लें हम आपके साथ हैं और जब भी कोई तंकीद आते हैं अलहमदिल्ला मैं इग्नोर करता हूँ। अच्छा कभी इस फैसले पर दोनों को दुख नहीं हुआ कि यार कितनी छोटी सी उम्र में शादी कर ली अभी तो बड़ी ज़िंदगी देखनी और ये वो कभी आसिया ने सोचा हो कि गलती कर ली इतनी छोटी सी उम्र में शादी करके? नहीं कभी नहीं सोचा कि अभी तो मुझे कुछ आता भी नहीं पकाना खाना? नहीं ज़िंदगी के साथ तो सब कुछ आ जाएगा आमीन इंशाल्लाह। कभी आपको दुख हुआ कि यार इतनी छोटी उम्र में शादी कर ली? दुख नहीं हुआ मैं ये सोचता कि काश ये होता था बस दुख नहीं हुआ शादी का कि शादी हो जाए लेकिन काश शादी पहले ये करता था मैं क्योंकि शादी के बाद खास माली मसाइल पैसे के मसाइल बहुत ज़्यादा थे मैं पता नहीं था कितना हुआ कि खर्चा हो जाएगा इसका घर का फिर बाद में पता चला कि नहीं शादी एक जिम्मेदारी है और सही निभाना पड़ता है जिम्मेदारी को। अच्छा शादी करने से पहले नहीं पता था जिम्मेदारी की? नहीं पता था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि पहले जोश चढ़ा था शादी शादी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल फिर शादी के बाद बात पता चला मुझको। अच्छा आप दोनों के हनीमून की क्या प्लान्स हैं? अभी तक तो नहीं ना गए हनीमून पे कहीं भी? आप बता दें।
नहीं हनीमून पे भी नहीं गए, अभी मक्का शरीफ जाने का इरादा है। मक्का शरीफ जाने का इरादा है, आमीन इंशाल्लाह ताला। अच्छा आप दोनों से मेरा एक आखिरी सवाल ये, नाजरीन को बताइएगा कि क्या वाकई आप दोनों की बहुत छोटी सी उम्र है, क्या उम्र है आप दोनों की वैसे? मेरा अभी तकरीबन 17 साल मेरा भी हुआ, आज से तकरीबन 16 साल में अभी तकरीबन 17 साल के अंदर अभी हम हुए। ऐसे हम उम्र तो मुझे तो नहीं लग रहा, कोई यकीन भी करता आप दोनों की इस बात का? नहीं 80% लोग यकीन नहीं करते। मैं जब पुराने जो हम इंटरव्यू देते हैं मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ मैं वैसे टाइम पास करने के लिए, फिर मैं लोग बोलते नहीं ये झूठ है, ये 30 साल के हैं मीडिया वाले झूठे हैं ये वगैरह, फिर मैं एक एक को मुझको जब मैं निकम्मा बैठा होता हूँ फिर मैं एक एक को मैं जवाब देता हूँ कि नहीं वाकई मेरा मसल। कोई लोग बोलते हैं ये लगता है अगर ये वाकई 17-16 साल के मैं खुदकुशी कर लूँगा, फिर मैंने कहा ठीक है मैं अमर आप मुझसे रब्ता करें मैं कुछ ना कर ये दिखाता हूँ मेरे पैदाइश का और आप खुदकुशी कर लेना।